नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और अकोला में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है सेक्स टेक्निक्स। सेक्स को और अच्छा और बेहतरीन करने के ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं, मैं आपको ये वीडियो के द्वारा वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सेक्स टेक्निक्स किसको फायदा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नपुंसकता है। नंबर दो, प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन होता है। नंबर तीन, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, सेक्स करते वक्त डर लगता है, भय महसूस होता है, सेक्स बराबर में कर नहीं पाता, उनके लिए है। चौथा, सेक्स के वक्त पेन होता है। और पांचवा, मन में घृणा है, टेंशन है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये सेक्स टेक्निक्स काम में आ सकती है। सबसे पहले जो टेक्निक है वो है मास्टर एंड जॉनसन्स टेक्निक, जिसको बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। ये टेक्निक प्री मेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिनमें होता है वो लोगों में टेक्निक बहुत फायदेमंद है। जब भी लोगों को जब इंटरकोर्स चालू करते हैं और इंटरकोर्स में जो थ्रस्ट देते हैं, उस वक्त अगर पुरुष को ये लगता है कि मेरा अभी इजैकुलेशन होने वाला है, उस वक्त वो पुरुष पार्टनर से बाहर निकल जाता है और पार्टनर को बोलता है कि लिंग का बीच का पोर्शन जोर से दबाए, जोर से स्क्वीज करे। उस कारण होता क्या है कि जो पेनिस में जो ब्लड फ्लो आया है वो रुक जाता है और धीरे धीरे इरेक्शन कम होता है और इजैकुलेशन नहीं होता। ऐसा हमने 5 से 6 बार करना है, तब तक जब तक जो इजैकुलेटरी जो फोर्स है वो कम नहीं होता तब तक। और बाद में 5-6 बार ऐसा स्क्वीज टेक्निक करने के पश्चात हमने बोलना है 6वीं या 7वीं बार कि फिर आप आराम से इजैकुलेशन कर सकते हो। ये टेक्निक बेस्ट तभी यूटिलिटी हो सकती है इसकी जब पुरुष नीचे हो और उसको इरेक्शन आया है और जो फीमेल है वो फीमेल सुपीरियर पोजीशन में उसके ऊपर आती है, तब ये मेथड बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। इसको हम बोलते हैं मास्टर एंड जॉनसन स्क्वीज टेक्निक। जो नंबर दो है वो है मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में बहुत फायदेमंद होती है। यदि ये मालूम पड़ता है कि अभी मुझे सेक्स करना है शाम को रात को, तो 4 या 5 घंटे पहले ही पुरुष ने अगर मास्टरबेशन कर लिया और 4 घंटे बाद वो अपने फीमेल पार्टनर के पास गया, तो उसे जल्दी इजैकुलेशन होगा नहीं, क्योंकि 4-5 आवर्स प्रायर जो अपनी एक्साइटमेंट है वो मास्टरबेशन के कारण कम हो जाएगी। तो ये सेकेंड बहुत अच्छा तरीका है मास्टरबेशन, जिसके कारण जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है वो हम रोक सकते हैं। जो तीसरा अच्छा टेक्निक है वो है कीगल्स एक्सरसाइज। ये भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन में बहुत फायदेमंद है। कीगल्स एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम हमारे प्यूबो कॉक्सीजस मसल्स जो है, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में बहुत ढीले हो जाते हैं, उसको हम टाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पेशाब करते हैं, पेशाब करते समय और रोकते समय जो हम मसल्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्यूबो कॉक्सीजस मसल्स। तो पेशाब को रोकना है और छोड़ना है, रोकना है छोड़ना है। ये टेक्निक हमको सुबह, दोपहर और शाम को ऑन द काउंट ऑफ 10, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 बार हमको 3 बार करनी है। पेशाब को छोड़ते समय और रोकते समय जो मसल्स यूज होती है, प्यूबो कॉक्सियस मसल्स, उसको हमें स्ट्रेंदन करना है। ऐसी प्रैक्टिस अगर हम करते गए तो ये जो प्यूबो कॉक्सियस मसल्स है स्ट्रेंदन हो जाएंगे और जल्दी जो इजैकुलेशन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, वो रुक जाएगा। तो थर्ड है कीगल्स एक्सरसाइज। जो फोर्थ है वो है फोर प्ले। कोई भी सेक्स में यदि सेक्स में टेंशन आता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, इरेक्शन नहीं आता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, तो हम वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप फोर प्ले पे ध्यान दो। फोर प्ले मतलब अपने पार्टनर के साथ खेलना। 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर आप आपके पार्टनर के साथ खेलते हैं तो आपका आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छा बन जाता है और बाद में आप अच्छे से सेक्स कर पाते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, फोर प्ले। जो फिफ्थ पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सनसेट फोकस टेक्निक। मास्टर एंड जॉनसन ने निकाला था टेक्निक
सेंसेट फोकस टेक्निक ये उन लोगों में फायदेमंद है जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, जिनको सेक्स करने में, संभोग करने में डर लगता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का डर लगता है, पार्टनर के साथ न्यूड होने में डर लगता है, सेक्स करते वक्त पेन होता है, ऐसे वक्त ये सेंसेट फोकस टेक्निक बहुत फायदेमंद हो सकती है। सेंसेट फोकस टेक्निक में हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस को और सेंसुअल एक्सपीरियंस को हम ज्यादा फोकस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम ज्यादा फोकस रखते नहीं। इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग योर सेंसेस। तो ये है सेंसेट फोकस टेक्निक। जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर कपड़े पहन के एक मेक को टच करते हैं, एक मेक के सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो ये है डे नंबर वन, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, जब मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अपने कपड़े निकाल के टर्न बाय टर्न एक मेक को टच करते हैं, चाहे वो लिप्स को टच करना हो, चाहे वो हाथों को टच करना हो, चाहे वो चेहरे को टच करना हो, लेकिन इसमें स्टेप नंबर टू में जेनिटल टचिंग, ब्रेस्ट और नीचे का पोर्शन, ये हम अवॉइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन जेनिटल टच। तो ये है डे नंबर टू। डे नंबर थ्री में हम जेनिटल टचिंग, जिसको जेनिटल टचिंग स्टेप बोलते हैं, वो हम शुरू करते हैं। इसमें पुरुष और महिला एक मेक के जेनिटल्स को टच करते हैं। फीमेल जेंट्स के पेनिस को टच करती है और मेल्स ब्रेस्ट और वजाइना को टच करते हैं। इसमें इंटरकोर्स बिल्कुल करना ही है, टच करना है, प्रेस करना है, हाथ लगाना है, स्पर्श करना है, आप किस भी कर सकते हैं। यह हो गया स्टेप नंबर थ्री। धीरे धीरे यह होता है थर्ड डे पे, धीरे धीरे आप सेंसरी एक्सपीरियंसेस फील कर रहे हैं। डे फोर पे हमको लोशन अप्लाई करना है, कोई भी क्रीम या तेल। अगर हम पूरी बॉडी पे मसाज करते हैं, मेल करता है फीमेल को और फीमेल करता है मेल को, तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेप, डे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोशन। यह होता है चौथे दिन। फिफ्थ दिन होता है म्यूचुअल टचिंग। म्यूचुअल टचिंग मतलब कंटिन्यूअसली एक मेक को, मेल और फीमेल पार्टनर एक मेक को टच करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट को टच हो, वजाइना को टच हो, पेनिस को टच हो, और इसमें पूरे सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो है उसको हम फील करते हैं। जो सिक्स्थ डे है वो है लैटरल टचिंग एंड लैटरल सेंसुअल इंटरकोर्स। पुरुष और महिला लैटरली एक मेक के बाजू में सोते हैं और पेनिस को वजाइना में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर बाहर थर्स्ट नहीं करते हैं, अंदर बाहर इंटरकोर्स करने की कोशिश नहीं करते हैं, जस्ट फील करते हैं कि वजाइना की गहराई कितनी है, ब्रेस्ट कैसा फील होता है, वजाइना में पेनिस कितना इंसर्ट होता है, इसको फील करना है। इसको हम बोलते हैं लैटरल सेंसुअल इंटरकोर्स। और जो सातवां पॉइंट है वो है सेंसुअल, एक्चुअल सेंसुअल इंटरकोर्स, जिसमें पुरुष महिला के वजाइना में पेनिस डालने की कोशिश करता है। इसमें थर्स्टिंग नहीं करना है, अंदर बाहर नहीं जाना है, खाली पेनिस जा रहा है क्या, वजाइना में एंट्री कर रहा है क्या, इसका हमें सेंसुअल फीलिंग लेना है। यह है सेवेंथ डे। और लास्ट डे है एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें पेनिस वजाइना में डालकर एक्चुअल थर्स्टिंग करना है, अंदर बाहर जाने की कोशिश करना है। ये जब आप कोर्स करते हैं सेंसेट फोकस टेक्निक, तो धीरे धीरे आपका जो डर है वो धीरे 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 कम होता है, और इसमें सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपका डर, आपकी घृणा, आपका पेन, आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाएंगे और आप अच्छी से सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना टेंशन के, बिना पेन के कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।